डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर बताने की जरूरत है कि हम उस चीज को नहीं भूल सकते, और इसीलिए नहीं भूल सकते क्योंकि आज ये जो एफजी बर्निंग हो रहा है, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज वायलेंस इन आर कैंपस। और ये मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से एबीवीपी बार बार कोशिश कर रहा है कि कैंपस के अंदर मारपीट करके वो चले जाएंगे, कम्युनल टारगेटिंग करेंगे, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है, मुस्लिम स्टूडेंट्स है, उनको उनके रूम में घुसेंगे, स्कफल करेंगे, मारेंगे, भाग जाएंगे, और जिस इम्प्यूनिटी के साथ आज वो कैंपस के अंदर घूम रहे हैं 5 तारीख के बाद, ऐसे लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। साथ साथ ये क्लियरली समझ में आता है जिस तरीके से प्रशासन शील्डिंग कर रहा है, साथ साथ दिल्ली पुलिस का जिस तरीके से एक इंटरवेंशन आता है, लेकिन किस तरीके से इंटरवेंशन आता है हमें अच्छे तरीके से पता है। 5 तारीख के बाद वहाँ पे एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। जॉय तिर्की जो अपना बात रखता है, लगता नहीं है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से रख रहा है, क्राइम ब्रांच की तरफ से लग रहा है, उल्टा लगता है कि प्रशासन ने उनको कोई प्रेस ब्रीफ रिलीज दे के भेजा गया था, जहाँ पे बार बार 4 संगठनों का नाम लिया जा रहा है जो जेएनयूएसयू में है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी एबीवीपी का नाम नहीं रहता है, उन्हें कहीं नहीं दिखता है तमाम सारे वीडियो के बाद कि एबीवीपी के लोग किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे थे कैंपस के अंदर। तो ये क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे जो सरकार ने सबको खरीद लिया है, और जो प्रशासन है, पुलिस है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिक गया है। और अगर आज हमारे सामने कुछ है तो वो हमारी यूनिटी है, और इसी यूनिटी के साथ हमें लड़ना होगा। जब हमारे सामने तमाम सारे लोग बिक चुके हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिख रहा है, जिनको किसी को जस्टिस देना नहीं दिख रहा है, तो यस, इट्स द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कैंपस एंड नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कैंपस बट द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री हु विल स्टैंड बाय द लॉ एंड ऑर्डर एंड शो टू दिस पीपल की वॉट इज लॉ एंड ऑर्डर एंड वॉट लॉ एंड ऑर्डर स्टैंड बाय फॉर, और जस्टिस किसको बोलते हैं। जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो हम 2016 में माही मांडवी में हमारे साथी नजीब के साथ क्या हुआ था उसको नहीं भूल सकते। नजीब के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था, कम्युनल टारगेटिंग किया गया था, उनको मारा पीटा गया था। और मैं इसको थोड़ा डिटेल में क्यों बताना चाहूंगी, यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो कैंपस में नए आए हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि पैटर्न कैसा था। नजीब को टारगेट किया गया, मारा गया, उसके बाद फोर्सफुली डिसअपीयर करवाया गया, और उसके बाद क्लियरली आप पैटर्न देखिए, चीफ डॉक्टर जो तब थे उन्होंने उनके इंक्वायरीज में ये मिला कि जो एबीवीपी के एक्टिविस्ट थे, जो एफिलिएटेड जो स्टूडेंट थे, दे वेर इन्वॉल्व इन दैट स्कफल। उन्होंने नजीब को पीटा था, ये रिपोर्ट बताता है। और उसके बाद क्या हुआ, उनका हॉस्टल ट्रांसफर करके उनको जस्ट छोड़ दिया गया। जब तब प्रेशर बना बाहर से, पुलिस इस कैंपस में नजीब का तहकीकात करने 1 महीने से भी ऊपर बाद वो आते हैं स्लीपर डॉग्स लेके सुकवा ने इस कैंपस में ही, कि हम देखना चाहते हैं कि नजीब वहां गए हैं, हम ट्रेसेस निकालना चाहते हैं। यही वाइस चांसलर था जो रो के कोर्ट में जाके बोला हमारे पास सीसीटीवी कैमराज नहीं है, इसके लिए गेट से नजीब किस तरफ गया हमें पता नहीं चला। और उसके बाद बड़े बड़े सीसीटीवी, लाखों के सीसीटीवी कैमराज लगाए गए। कल एक आरटीआई आया है, अगर आप लोगों ने देखा है, वॉर्ड ने रिपोर्टिंग किया है, एक आरटीआई का रिवील हुआ है, जहाँ पे क्लियरली ये लिखा है कि कोई भी सर्वर को डैमेज नहीं किया गया था, और सर्वर्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो हमें अब समझ में नहीं आ रहा है कि 5 तारीख जब अटैक इस कैंपस के अंदर हुआ, गुंडे घुसे पुलिस के सामने, पुलिस अंदर था कैंपस के अंदर, तो पुलिस एक्ट क्यों नहीं किया। जामिया में पुलिस घुस जाता है बिना परमिशन के, और वहाँ पे लाइब्रेरी में तोड़फोड़ कर देता है, और इस कैंपस में जब दोपहर के 3 बजे से उसके बाद भी टीचर्स खुद कॉल करके पुलिस को बोल रहा था कि आप लोग एक्ट कीजिए, तब कोई नहीं एक्ट कर रहा था क्योंकि हमारे वाइस चांसलर उनको परमिशन नहीं दे रहे थे। और उनको परमिशन मिला रात के 9 बजे 8 बजे अपना फ्लैग मार्च करने के लिए। तो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्प्यूनिटी जो प्रशासन देने की कोशिश कर रहा है, और साथ साथ क्लियरली ये बात बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है कि सिर्फ बाहर के लोग ही इन्वॉल्व नहीं थे, काफी रेसिडेंट्स जो हमारे कैंपस के स्टूडेंट्स, दे हैव आइडेंटिफाइड मेनी ऑफ द एक्टिविस्ट हु आर फ्रॉम दिस कैंपस इटसेल्फ एबीवीपी का। और अगर वो लोग सोच रहे हैं कि इस इम्प्यूनिटी से वो बच जाएंगे, 5th का वायलेंस ना ही हम भूले हैं ना ही हम लोग भूलेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि इस वाइस चांसलर के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसको इस कैंपस से जाना ही होगा, बिकॉज ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसके
वजह से आज हमारा कैंपस ये चीज जो फियर जो ट्रॉमा आज स्टूडेंट्स जा रहा है स्टूडेंट्स के थ्रू माइंड में जा रहा है ही इज द सोल रेस्पॉन्सिबल। और अगर आज वो आके सामने बोलते हैं कि नहीं पीछे का बात भूलते आगे से शुरुआत करते तो हमने क्लियरली ये बात रखा है कि आगे की शुरुआत जरूर होगी लेकिन मामी लाला जगदीश कुमार के बगैर हो उनके साथ तो कभी नहीं। और MHRT में भी जो हमने बात क्लियरली रखा है कि इस वाइस चांसलर को हम किसी भी तरीके से इस कैंपस में नहीं एक्सेप्ट करते। TA भी बार बार इसी वजह से मिल रहा है MHRT से और हमें आने वाले टाइम में फिर से यूनाइट होके कॉन्क्रीटाइज करके मूवमेंट को आगे लेके जाना होगा क्योंकि दिस विल बिकम द नॉर्म ऑफ द कैंपस एंड एज सिटीजंस ऑब्वियसली इन दिस कंट्री जो पूरे देश भर में आज चल रहा है CA NRC के खिलाफ जिस तरीके से सारे हमारे देश के लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं वो जिस तरीके से बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं उनके से स्पिरिट लेते हुए हमें वो लड़ाई भी लड़नी है साथ साथ इस कैंपस में हमें इंश्योर करना है कि इस तरीके की घटना जो राघिब के साथ हुआ है कल इसमें रिपीट ना हो इस कैंपस में। और इसीलिए हमें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी देना होगा साथ साथ जिस तरीके से वार्डन ने आज राघिब को उसके भाई को थोड़ा प्रेशराइज करके कोशिश किया है कि चीज को मामला को इंटरनली सुलझाया जाए। हम सेटलमेंट के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। क्या सेटलमेंट? आप किसी को मार दोगे और उसके बाद आप क्या बोलोगे कि आप सेटल कर लो चीजों को? नहीं, पनिशमेंट इज द बेसिक मिनिमम थिंग यू शुड बी गिविंग। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ द वार्डन कि आप आपके हॉस्टल के अंदर आपके जो रेसिडेंट्स है उनको सेफ नहीं रख पा रहे हो, आप सिक्योर नहीं रख पा रहे हो, उनके रूम में कोई घुस करके दिन दहाड़े उसको मार दे रहा है और उसके बाद आप सेटलमेंट के नाम पे ये बोल रहे हो इस विंग से दूसरा विंग में चेंज कर देंगे। ये नहीं चाहते हम लोग। और 5 तारीख को भी इसमें भी और बाकी स्टूडेंट्स ने हमें काफी रिविलेशन मीडिया से मिला है कि स्टूडेंट्स का दाढ़ी था और उनसे हमें लगा कि वो कश्मीरी है इसलिए हमने मार दिया। ये सारे जो मानसिकता इस कैंपस में बढ़ रहा है और एबीवी भी फैला रहा है इसको रिजेक्ट हम करते थे, करेंगे और आने वाले टाइम में भी करेंगे। और किसी भी इनके आयरन रॉड से हम लोग नहीं डरते हैं, ये बार बार बोल चुके हैं एबीवी को और अभी भी चैलेंज करते हैं कि तुम अगर सोच रहे हो कि वायलेंस और फियर और ट्रॉमा से तुम हमसे हमारा कैंपस छीन लोगे तो कतई नहीं होने वाला है। हम निकलेंगे, हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे इस कैंपस में, हमारे हक के लिए लड़ेंगे। और किसी भी तरीके से हम बताना चाहते हैं कि एबीवीपी को तो टॉलरेट नहीं किया जाएगा इस कैंपस में किसी भी तरीके से और कोई भी वायलेंस नॉर्मलाइज इस कैंपस में नहीं होगा। और इसीलिए एज स्टूडेंट कम्युनिटी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाले टाइम में कि साथ साथ जैसे हम लोग सॉलिडरिटी में खड़ा भी हो रहे हैं वी नीड टू टॉक अमंग आवरसेल्व्स एंड इंश्योर कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स माइनॉरिटी सेक्शन से आ रहे हैं उनके साथ हम लोग खड़ा रहे। ये सिर्फ स्टेटमेंट के थ्रू नहीं होगा, उनके साथ खड़ा रहना होगा। कल जो राघिब के साथ हुआ है ये तमाम सारे और स्टूडेंट्स को उनके टारगेट में है तो कोई भी स्टूडेंट ऐसी चीज ना फेस करे, हम लोग एक साथ रहे उनके सिर्फ फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकली हमें पूरा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। और साथ साथ आने वाले टाइम में हम लोग ये इंश्योर करें कि इस कैंपस को हम लोग वायलेंस फ्री जिस तरीके से इस कैंपस को जाना जाता है उसी तरफ इंश्योर करें एंड बी मेक श्योर दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। और जो इम्प्यूनिटी इन लोगों ने क्रिएट किया है वार्डन्स के तहत और इनके जो न्यू अपॉइंटीज है उसके तहत। तो इसके साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद और साथ साथ FEG।